अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है वीडियो बनाने का, उसमें हम व्हील की जितनी भी स्पोक्स होती हैं, तारें होती है, ये डालेंगे रिम के अंदर, और इसकी लैनमेंट किस तरह सीधी की जाती है और स्पोक्स किस तरह डाली जाती है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल से जानेंगे। और इसको व्हील को इस अड्डे से किस तरह सीधा किया जाता है, ये जो होता है इसका, ठीक है, इससे हम सीधा भी इसको करेंगे और इसका मुकम्मल तरीका अगर आपको बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक लाजमी करें। तो चलिए दोस्तों अभी हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका दूसरा व्हील खोलते हैं और ये वाला हमने रिम डालना है, वो रिम जो है वो टूटा हुआ है, ठीक है। तो ये रिम हम डालेंगे अभी, ये रिम बिल्कुल सही है, इसमें स्पोक्स हम न्यू डालेंगे स्पोक्स, क्योंकि वो जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो अभी हम व्हील को खोलते हैं और चेंज करते हैं ये। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये व्हील है, इसकी यहाँ से पांच तारें यहाँ नहीं है, एक तार यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ तार भी नहीं है, और यहाँ से ये टूटा हुआ भी है, और ये काफ़ी जगह से ये रिम जो है वो टूट चुका है, इसीलिए हम ये रिम जो है वो चेंज करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम इसका व्हील खोलेंगे। व्हील खोलने के लिए दोस्तों 17 नंबर की स्पिनर चाबी चाहिए, या रिंग चाबी, या कोई भी चाबी या गोटी से आप इसको खोल सकते हैं, ये एक्स्ट्रा। दोस्तों ये 17 नंबर का नट हमने खोल दिया है, अभी हम इस व्हील को दूसरी साइड पे जाते हैं। दोस्तों ये वाला नट शायद आपको नज़र आ रहा हो, ये नट खोलना है, और इसके अलावा ये इसका ब्रेक वाला, ठीक है, ये ब्रेक वाला नट खोलता हूँ मैं। इसको खोलने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपने पेचकस फंसाना है। तो दोस्तों ये अभी खुल चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये इसकी दूसरी जो गोट और ये होती है, ठीक है, नट, इसको अभी हम यहाँ पे लगा देते हैं इसके पीछे, ताकि ये घूम ना हो जाए। दोस्तों ये 12 और 13 की चाबी है, चाबी से हम ये वाला इसका नट लूज़ करेंगे, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है ये वाला, ठीक है। दोस्तों 12 नंबर का लगा हुआ है, तो 12 नंबर की चाबी से हम इसको खोल देते हैं। ये सिलेंसर के नीचे लगा होता है, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रही। तो ये नट दोस्तों हमने 12 नंबर का खोल दिया है, आपके सामने है। तो चलिए दोस्तों अभी हम व्हील को बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों अभी हम व्हील को बाहर निकालते हैं, सबसे पहले हम इसका एक्सल निकालेंगे। एक्सल को दूसरी साइड से आपने चोट लगानी, तो ये थोड़ा सा बाहर आएगा, और दोस्तों ये एक्सल जो है वो निकल चुका है, यहाँ पे इसकी गोट होती है, गोट जो है वो खुद ब खुद ही निकल जाती है, और यहाँ से आप इसको पकड़ के निकाल सकते हैं, ये इसकी गोट है, ये आप देख सकते हैं, ये हम यहाँ पे रखते हैं और व्हील को जो है इस तरीके से बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इसका व्हील जो है बाहर आ चुका है, ये इसकी ब्रेक शू प्लेट है, ब्रेक शू प्लेट यहाँ पे हम रख देते हैं, और दूसरी साइड पे ये देख सकते हैं, ये रबड़े होती है, ठीक है, चार रबड़े होती है, इनको ड्रम रबड़ बोलते हैं, ये चार होती है, ठीक है, इसको भी हम साइड पे रखते हैं, और अब हम टायर खोलेंगे। तो दोस्तों ये वाल डाई है, वाल डाई से हम इसका वाल खोलते हैं, टूटी से, ये इसकी टूटी होती है, ये हम वाल खोलेंगे तो इसकी आवाज़ जो है वो बाहर निकल जाएगी, ताकि फिर हम टायर को खोलेंगे। तो ये इसका वाल होता है, वाल को भी हम साइड पे कर देते हैं, और ये नट खोलते हैं अभी। दोस्तों ये नट जो है इसका खुल चुका है, अभी हम इसका टायर खोलते हैं, यहाँ पे इसको, ये देखिए दोस्तों ये साइड भी होती है और ये साइड भी होती है, आपने इस साइड से इसका टायर खोलना है, टायर को सबसे पहले आपने नीचे की तरफ दबाना है, दबा के दोस्तों ये दो आपके पास टायर लीवर होने चाहिए, इससे आप टायर खोलेंगे। तो यहाँ से आपने एक टायर लीवर जो है वो डालना है यहाँ, और इसको इस तरीके से, और दूसरा यहाँ पे डाल के,
तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं टायर खुल चुका है। अभी यहाँ इस तरीके से आपने टायर खोलना है। टायर खोल के आपने तो दोस्तों हमारा टायर जो है वो खुल चुका है। अभी हम इसकी ट्यूब बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों ये ट्यूब जो है इसकी बाहर निकल चुकी है। इसके ऊपर ये एक गेस्ट के तौर पे लगाई गई है ट्यूब, इसको साइड पे रखते हैं। और ये टायर दोस्तों, ये टायर को हमने यहाँ पे लीवर डालना है इस तरीके से। इस तरीके से लीवर डाल के आपने इसको इस तरीके से टायर को यहाँ से पकड़ के यहाँ पे आपने इस तरीके से जो है लीवर लगाना दूसरा, तो ये टायर जो है आपका इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। तो ये टायर और रिम लैदा हो चुके हैं। टायर को हम साइड पे कर देते हैं और ये इसके ऊपर जो इसका फीता लगा होता है ये भी हम निकाल देते हैं। तो फीता हमने निकाला है। तो ये इसका रिम है, रिम के अभी तारें हम काटते हैं और फिर नया रिम डालेंगे और स्पोक्स भी नई डालेंगे। ठीक है दोस्तों, ये चार तारें जो है वो निकल चुकी हैं। तो दोस्तों ये एक हमारे पास छेनी है और दूसरी ये हथौड़ी है। हथौड़ी और छेनी से हम इसकी जो स्पोक्स हैं ये काटेंगे सारी। यहाँ पे आपने नीचे को लोहे की चीज़ रखनी है और यहाँ से आपने इसकी स्पोक्स को हिट करना है तो ये कट जाएगी। दोस्तों ये ऐसा कि आप देख सकते हैं एक स्पोक इसकी कट गई है। इस तरीके से आपने सारी स्पोक्स जो है वो काट लेनी है। तो दोस्तों इसकी आप देख सकते हैं आधी स्पोक्स कट गई है, आधी से ज़्यादा कट गई है। अभी थोड़ी सी रह गई है वो भी मैं काट देता हूँ। और ये स्पोक्स काटने का ये भी ज़बरदस्त तरीका है कि आपने इस तरह की हथौड़ी लेनी है और यहाँ से इसको इस तरीके से चोट लगाएंगे तो ये काट जाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं इसकी सारी स्पोक्स जो है वो कट चुकी है। ये आप चाहें तो हथौड़ी से भी काट सकते हैं जिस तरीके से मैंने काटी, या आप इस छेनी से काट सकते हैं। ये दोनों तरीक़ों से आप काट सकते हैं। इसके बाद आपने ये स्पोक्स जो है ये बाहर निकाल लेनी है इसकी सारी और ये हब को लैदा कर लेना है आपने। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि ये देखिए ये आगे से जो है चौड़ी हो गई है। इसको आपने इस तरीके से हथौड़ी से इसको ब्रेक कर लेना ताकि ये जो है इस तरीके से आपने ब्रेक कर लेना। अब ये देखिए आसानी से निकल जाएगी। ठीक है, पहले ये निकल नहीं रहे थे क्योंकि आगे से ये जब हम काटते हैं तो ये चौड़ी हो जाती है और ये निकलती नहीं। हम इसको ठीक है। तो दोस्तों ये हब लैदा हो चुकी है। ये इसका रिम है जो कि पुराना है, ये ख़राब हो चुका है। अभी हम वो दूसरा रिम डालेंगे और स्पोक्स हम सारी की सारी जो है इसमें न्यू डालेंगे। तो दोस्तों ये नई स्पोक्स है, हम अभी इसको ओपन करते हैं और डालते हैं, देखते हैं कि किस तरह की होती है, कौन कौन सी स्पोक्स हैं इसमें।
दोस्तों इसके अंदर टोटल जो है वो 36 स्पोक्स होती है, 36 की 36 एक जैसी ही होती है, जो चाहे आप जिधर मर्जी डाल दें इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। ये इसकी निप्पल है, ये ऊपर हम टाइट करने के लिए यूज़ करेंगे जब हम रिम में फिट करेंगे। सबसे पहले हम इसकी स्पोक्स जो है वो फिट करते हैं इसके अंदर हब के अंदर। तो ये 36 है, ये सेम होती है, ये जिधर मर्जी लगाएं। तो अब इनको डालने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम इसकी ये स्पोक्स डालेंगे। यहाँ से कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे डाल दी। अब एक दोस्तों नीचे डालनी है, यहाँ पे भी नीचे डाल सकते हैं, यहाँ पे भी डाल सकते हैं, आगे पीछे हो जाए कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है दोस्तों। अब एक छोड़ के एक डालनी है, ठीक है, सारी इस तरीके से ही आपने डालनी है। पहले एक साइड की डाल लें, फिर दूसरी साइड की डाल लें, या इस तरीके से आप जिस तरीके से मैं डाल रहा हूँ इस तरीके से आप डाल सकते हैं। दोस्तों एक छोड़ के लगानी है, एक जो है वो नीचे की तरफ, दोबारा जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो उस साइड से लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ऊपर की ये देखें सारी की सारी लग चुकी है, अब नीचे की लगाएंगे। स्पोक्स जो है आप 1-5 की यूज़ कर रहे हैं, 1-5 की स्पोक्स काफ़ी अच्छी होती है और मोटी होती है और ये चलने में काफ़ी टाइम चल जाती है। अब दोस्तों इसको यहाँ से पकड़ के ये इसकी साइड चेंज करते हैं। तो दोस्तों अभी जो स्पोक्स जिधर हमने नहीं डाली, यानी कि एक यहाँ पे डाली थी, एक यहाँ पे, ये एक दरमियान में हम जो सुराख छोड़ रहे थे, अभी हमने इस सुराख को जो है वो जितने भी सुराख हैं उनमें ये इस साइड से डालनी है। पहले हमने दूसरी साइड से डाली थी, अब इस साइड से डालनी। इस तरीके से हमने 36 स्पोक्स इसमें मुकम्मल कर देनी है। 1-5 में भी 36 होती हैं, इसमें भी 36 होती है 70 के में। तो ये होंडा सीडी 70 बाइक है, तो इसमें भी 36 है। अब दोस्तों जो नीचे वाला है, नीचे वाले में भी इसी तरीके से ही आपने डाल लेनी है। बहुत ही आसान काम है, अगर आप ये खुद भी करें तो बहुत ही आसान काम है, वैसे मुश्किल नहीं है ये। बस आपको ये पता चल जाए कि ये कितनी स्पोक छोड़ के डालनी है, जिस तरीके से मैंने बताया गया। यहाँ तक तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ चुकी होगी, अभी जो आगे का काम है वो भी मैं इंशाल्लाह आपको पूरी डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगा। तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों ये इस तरीके से आपने पकड़ लेनी है ताकि ये जो स्पोक्स है ये सीधी हो जाए, इनको आपने इस तरीके से सीधा कर लेना है एक साइड से पकड़ के। और अब आपने करना ये है कि ये जो स्पोक्स हैं इनको इस तरीके से इस तरह रख देना है, ठीक है। ये साइड आपने हमेशा ऊपर वाली साइड पे रखनी है, क्योंकि ये साइड हम पहले डालेंगे, दूसरी साइड जो है वो बाद में डालेंगे। तो हब के अंदर 36 स्पोक जो है वो फिट हो चुके हैं, अभी हम रिम डालते हैं। रिम यहाँ पे रखेंगे और रिम का तरीका अगर आपको बताते हैं कि रिम किस तरह इसको फिट करना। दोस्तों ये इसका दूसरा रिम है, वो जो है वो टूट चुका था, तो इसलिए वो कस्टमर चेंज करवा रहा है। तो अभी हम पहले हम इस रिम को यहाँ पे इस तरीके से जो है रख लेंगे, आपको नज़र आ रहा है ना। तो ठीक है दोस्तों यहाँ पे ये हम टूटी ढूंढेंगे, टूटी के अलावा भी आप कहीं से ढूंढ लगा सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ इस तरीके से अगर अनजान बंदा भी फिट करे तो वो भी कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे इसकी टूटी है,
तो यहाँ से आपने एक ये स्पोक पकड़नी है, एक जो है वो नीचे वाली पकड़नी है, ठीक है। ये जो स्पोक इसके दरमियान आ रही है, एक को आपने जो ऊपर वाली है इसको इस साइड पे छोड़ देना है, जो यानी कि ये मैंने पहले वाली ये पकड़ी है ना, तो इससे जो आगे एक एक स्पोक छोड़ के आएगी उसको आपने इस साइड पे कर देना, और जो नीचे से मैंने यानी कि दो छोड़ के ये पकड़नी है, एक इधर से पकड़नी है एक इधर से, ये जो दरमियान में एक स्पोक आएगी जो एक छोड़ के इधर से है उसको इस तरफ, जो इस तरफ से एक छोड़ गया उसको इस तरफ आपने छोड़ देना है, ठीक है। तो ये दो आपके सामने हैं, इनको आपने जो इसकी टूटी है, टूटी से ये देखें, यहाँ पे इसका टूटी का सुराख है आपको नज़र आ रहा होगा, मैं इधर कर देता हूँ इसको, ये इसका टूटी वाला सुराख है दोस्तों। तो ये दो स्पोक हम पकड़ लेते हैं, पहले हमने कोई और पकड़ी थी, तो कोई मसला नहीं, जिधर जहाँ से मर्जी स्पोक पकड़नी, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे टूटी है और यहाँ पे एक जो स्पोक है, एक टूटी के साथ जो सुराख होता है यहाँ पे डालेंगे इसको, ये देखें, इन स्पोक को आपने फुल, जो इसकी निप्पल है इनको फुल टाइट नहीं करना है, एक बार इतना सा टाइट करना है जितना मैंने टाइट कर दिया है। अभी एक दरमियान से एक सुराख छोड़ना है, इधर से दो स्पोक छोड़नी है, दरमियान में एक सुराख छोड़ना है, ठीक है, इधर से। तो छोड़ के आपने इसको भी यहाँ पे फिट कर देना। तो आगे बहुत ही आसान तरीका है, ये आप देख लें, ये दूसरी स्पोक इससे आगे, यानी जो हमने पहले स्पोक पकड़ी सी इससे आगे एक स्पोक छोड़ के, ये दरमियान में हमने छोड़ी है जो नीचे की तरफ दूसरी साइड पे जा रही है, और ये जो है ये हमने पकड़ ली है इससे आगे एक छोड़ के, ठीक है। तो ये पकड़ने के बाद हम ये दूसरी साइड की स्पोक जो है वो पकड़ेंगे, ये इस साइड से, यानी कि जो हमने इस साइड को छोड़ी थी इससे आगे एक छोड़ के ये हमने पकड़ ली है। तो ये भी हम यहाँ पे फिट कर देते हैं अभी। दोस्तों ये तरीका बहुत ही आसान है, आप खुद भी ये फिट कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो दोस्तों ये हमने चार स्पोक जो है वो फिट कर लिए, दरमियान में आपने एक एक छोड़नी है, यानी कि हम, अब दोस्तों यहाँ पे देखें, ये स्पोक हमने जो चार डाली थी, अभी ये जो स्पोक है यानी कि ये पहले हमने इससे आगे एक छोड़ के डाली थी, अब इससे आगे ये स्पोक जो है इससे आगे एक छोड़ के ये स्पोक पकड़नी है और यहाँ से डालनी है, और इससे आगे दो स्पोक छोड़नी है, या ये स्पोक जो जा रही है इस साइड पे इससे आगे एक छोड़नी है, इनके दरमियान मैं तो कहता हूँ कि आप ये समझिए कि इनके दरमियान आपने दो स्पोक जो है वो छोड़ के एक पकड़नी है, जो नीचे की साइड पे यानी कि इस साइड से हमने डाली थी इसको हमने पकड़ना है, नीचे वाली को एक ऊपर वाली पकड़नी है, एक नीचे वाली पकड़नी है, ठीक है। इसको अब यहाँ पे इन दो स्पोक के दरमियान एक वायर छोड़नी, एक स्पोक छोड़नी है, उसको छोड़ के आपने यहाँ पे इसकी निप्पल जो है वो फिट कर देनी है। अब दूसरी निप्पल भी यहाँ पे फिट कर देते हैं, इनके दरमियान एक एक जितनी भी स्पोक्स हैं यहाँ पे, यानी कि ये है, ये है, ये एक एक जो स्पोक की जगह है ये छोड़नी है, उनको आपने यहाँ पे डालना। तो इस तरीके से हम इसकी मुकम्मल स्पोक्स फिट करते हैं। तो दूसरी साइड पे हम फिर देखेंगे कि वो दूसरी साइड पे कितनी स्पोक्स हमने छोड़नी है, और जिस तरीके से हमने इस साइड को फिट करना है उसी तरीके से ही दूसरी साइड को भी फिट करना है। तो वो भी मैं थोड़ा सा आपको तरीका कर बताऊंगा। तो वीडियो एक बार मैं स्पोक्स जितनी भी इस साइड की है वो डाल देता हूँ। ये तकरीबन 20-30 मिनट का काम है, आप कर सकते हैं, आपसे हो सकता है 1 घंटा भी लग जाए, 1.5 घंटा भी लग सकता है, ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो ये आप इस तरीके से डाल सकते हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए मैं रोक रोक के आपको बता रहा हूँ।
तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इस साइड की सारी स्पोक्स जो है वो मैंने डाल रही है, एक छोड़ के आपने एक, ठीक है, इससे यहाँ पे ये जोड़ा आपने बनाना है, यहाँ पे दो छोड़नी है और यहाँ से जितनी भी स्पोक्स हैं एक एक ही की जगह छोड़िए, ताकि दूसरी साइड से जो जब भी लगे तो वो इस जगह पे जोड़ा इनका लगे। तो अब हम इसको दूसरी साइड पकड़ते हैं। तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पर आपने नीचे अपना हाथ डालना है, हाथ डाल के आपने इस तरीके से इसको जो है वो कल्टी करनी है। कल्टी करके अब हम इस साइड की स्पोक्स जो है वो डालते हैं। तो ये निपलें होती है, इनको निपल बोलते हैं, इनको स्पोक्स बोलते हैं, हम तार भी बोलते हैं अपनी ज़ुबान में। तो अब कहीं से भी ये टूटी किधर है, मैं टूटी से ही शुरू करता हूँ ताकि मैं जो है आपको अच्छे तरीके से बता सकूँ। तो दोस्तों ये इसकी दूसरी साइड है। अभी यहाँ पे देखें, पहले हमने ये ऊपर वाली पहले उठाई थी, अब जो ऊपर वाली इसकी स्पोक्स है ये इस साइड पे हम लगा देंगे, ठीक है। तो ये पहले हम ये पकड़ेंगे, अब ये पकड़ के इसका जोड़ा बनाएंगे और ये हम इधर टूटी के साथ जो स्पोक्स की जगह है वहाँ पे हम इसको फिट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपने इनको फिट करते जाना है, जितनी भी स्पोक्स हैं ये इसी तरीके से ही फिट होगी। तो दोस्तों मैं फिर आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये देखें, ये स्पोक्स चार जो है वो एक साथ पे आ गई है, क्योंकि हमने पहले ये इस साइड की दो फिट की हुई थी तो इसकी जगह यहाँ पे बन रही थी। ये हमने पहले स्पोक पकड़ी, इससे आगे हमने दो स्पोक्स जो है वो छोड़ी हैं, एक को हमने इस साइड पे कर दिया और एक को हमने इस साइड पे कर दिया, क्योंकि ये इस साइड की है। तो ये आपको पता चल जाएगा जब आप दूसरी साइड पर फिट करेंगे, तो ये आपके सामने आ जाएगी कि किस साइड पर ये लगनी है। अब इस साइड पे आप लगाएंगे तो ये देखें मसला करेगी, काफ़ी टाइट लगेगी। तो इस साइड पे ये इजीली जा रही है, तो इस साइड पे ये हम फिट कर रहे हैं। अब दोस्तों ये सेम ही वो ही तरीका है, ये देखें, पहले हमने ये स्पोक पकड़ी थी, इससे आगे दो छोड़ी थी, फिर ये पकड़ी थी, तो ये यहाँ पे हमने फिट की थी और दरमियान में एक छोड़ी थी। तो वो ही तरीका है जो हमने पहले दूसरी साइड की डाली है। तो ये आगे फिर वही सेम तरीका है, ये एक जो है इससे आगे एक छोड़ के तो यहाँ पे इसको फिट किया और यहाँ से फिर आगे इसके दो छोड़ के ये पकड़ी और ये यहाँ पे फिट कर दिया। तो अब हम इसको आगे मज़ीद फिट करते हैं। तो दोस्तों अब हम इसकी ये स्पोक फिट करेंगे, ये एक छोड़ के आगे और ये एक जो है इसको, ये देखें दोस्तों ये ऊपर की ऊपर वाली साइड पे आएगी और नीचे की जो है नीचे वाली साइड पर। कहीं आपने ये नहीं, इसको इस तरीके से नहीं कर देना, तो ये काफ़ी मसला करेगी आपको। ये इस तरीके से ही आपने फिट करनी है। जो साइकिल होता है, साइकिल में जो है वो ऊपर नीचे होती है स्पोक्स, तो ये मोटरसाइकिल का रिम है, तो मोटरसाइकिल के तरीके से ही हम डाल रहे हैं। जो साइकिल के मैकेनिक होते हैं उनके लिए हमारी वीडियो जो है वो काफ़ी बेहतर होती है, क्योंकि वो हमारे वीडियो देख के कुछ ना कुछ काम इधर से सीख के अपना काम जो है वो मज़ीद बढ़ा सकते हैं। हम भी पहले साइकिल का काम भी करते रहे हैं, अब माशाल्लाह मोटरसाइकिल का ही काम है, और साइकिल का जो है हमने वो टाइम नहीं होता इतना कि साइकिल का काम पकड़ लें। और जो मोटरसाइकिल मैकेनिक होता है उसके लिए तो साइकिल का काम मुश्किल ही नहीं होता, अगर आप करना चाहें तो वो भी अच्छा है, लेकिन अब जो है उसका दौर ख़त्म हो चुका है साइकिल का, तो मोटरसाइकिल का दौर है, हर बंदा मोटरसाइकिल चला रहा है। तो ये देख लें, आपके आपको चाहिए कि आप मोटरसाइकिल का काम भी साथ सीख लें। अगर आप साइकिल मैकेनिक हैं तो मोटरसाइकिल का काम जो है इस तरीके से आप सीख सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं, मेरे चैनल पे भी तकरीबन मुकम्मल इंजन डिसअसेंबल असेंबल 1 to 5 70 प्राइडर इसकी मौजूद है। और अब जो वीडियो नहीं मौजूद हैं तो वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी आप दोस्तों की खिदमत में लेके आऊँ।
तो दोस्तों मेरी तो कोशिश है कि मैं आपको जल्दी से जल्दी काम सिखा सकूं, लेकिन क्या करें, टाइम जो है वो बहुत कम होता है कि वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं लगता। हम जो है अपने काम में इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हमने वीडियो कब बनानी है। तो फिर भी हम कोशिश करते हैं कि वीडियो बनाने के लिए कुछ ना कुछ टाइम जो है वो निकालें। तो आप दोस्तों के लिए ही टाइम निकालते हैं, तो आप दोस्तों का भी हक बनता है कि हमारी वीडियो को लाइक किया करें। अक्सर दोस्त जो है वो लाइक करते भी हैं, उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि वीडियो को लाइक करते हैं, और जो नहीं करते तो उनसे भी गुजारिश है कि भाई वीडियो को लाइक किया करें, आपको फ़ायदा मिल रहा है तो हमें भी कुछ फ़ायदा जो है वो दें। अभी तक तो यूट्यूब से हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, हमने ही लोगों का फ़ायदा किया। तो ये देख सकते हैं आपके स्पोक्स जो है वो बिल्कुल ई रिम के अंदर फिट हो चुकी है। अभी हम इसको वो अड्डे में डालेंगे, अड्डे में डाल के हम इसको सीधा करने का तरीका सीखते हैं कि स्पोक्स को किस लेवल से आपने टाइट करना है, इसके अंदर जंप नहीं छोड़ना और इसको किस तरीके से टाइट करना है। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है मैं अड्डे पे डाल के बाइक के व्हील को आपको बताता हूँ। तो पहले मैं व्हील को अड्डे पे डालता हूँ। तो दोस्तों आपने इस व्हील को जो है वो अड्डे पे डालना है, तो इसके लिए आपको एक्सल की, साइकिल के एक्सल की ज़रूरत पड़ेगी। तो साइकिल का एक्सल जो है आपने लेना है, पिछले वाला या अगले वाला जो भी आपको मिल जाए, तो इसको आपने यहाँ पे डाल के इस साइड से आपने इसकी ये जो कोन होती है इसको टाइट कर देना। इसको दोस्तों आपने बिल्कुल ही बराबर इसके कर देना है टाइट, और इसके बाद ये दूसरा नट भी हम इसका टाइट कर देते हैं ताकि ये एक्सल का नट जो है वो गुम ना हो कहीं, क्योंकि ये गुम हो जाएगा तो हमारा एक्सल जो है वो। अब दोस्तों ये इसका अड्डा है, इसके बारे में मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो ये आपने इस तरीके से ये आगे पीछे जो है वो खुद ब खुद ही हो जाता है अगर आपके पास ये वाला अड्डा है। तो दोस्तों ये देखें, आपने इसको व्हील को ये वाली साइड से आपने इस तरीके से फिट कर देना। इसको आपने दरमियान में कर लेना है, ये इसके होते हैं इनको घुमा के लाटू। ये व्हील जो है इसके अंदर फिट हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारा व्हील है। अभी दोस्तों ये अलाइनमेंट का हमको यहाँ से पता चलेगा कि व्हील हमारा टेढ़ा है या नहीं। तो फिलहाल के लिए व्हील जो है वो टेढ़ा तो नहीं है, लेकिन हमने इन स्पोक्स को टाइट तो करना ही है क्योंकि हमने अभी न्यू डाली है। तो न्यू जो है वो इसी न्यू जो है टाइट करनी पड़ती है, क्योंकि अगर न्यू को हम टाइट नहीं करेंगे तो हमारा जो व्हील है वो सीधा नहीं होगा, व्हील जो है वो जोल मारेगा, तो फिर स्पोक डालने का फ़ायदा नहीं है, टूट जाएंगी स्पोक। दोस्तों ये जो अड्डा होता है इसके यहाँ पे ये नट लगा होता है, इसको हमने लूज़ करना है। नट को लूज़ करने के बाद इस पत्री को आपने इसके बराबर जो है वो रख के इसको टाइट कर देना है। ये आपको इसके दरमियान जो है वो हल्का सा फासला होना चाहिए, ये जो पत्री लगी हुई है आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देख सकते हैं ये इसके ऊपर पत्री लगी हुई है। ये नट को लूज़ करके आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, इस व्हील के बराबर जो है आप इसको टाइट कर सकते हैं। तो अब हम इसकी स्पोक्स को टाइट करेंगे। तो स्पोक्स को टाइट करने के लिए एक स्पेशल चाबी बनानी पड़ती है जो कि खुद ही बनानी पड़ती है। दोस्तों ये जो है वो रेती की हमने चाबी बनवाई हुई है, ये खरादिए से आपको, खरादिए के पास आप ये रेती ले जाएं, रेती से वो आपको जो है इस तरह की चाबी बना देगा, क्योंकि ये न्यू तो नहीं मिलती, ठीक है, मार्केट से ये नहीं मिलेगी, आपने ये खुद ही बनवानी है। रेती की आप बना लें या आप कनेक्टिंग रॉड की भी बनवा सकते हैं, या आपको जो गाड़ियों के नीचे लगी होती है उसको बोलते हैं जी कमानी, कमानी की भी आप बनवा सकते हैं, कमानी की बनवा लें वो बहुत अच्छी होगी। तो मेरे पास ये जो है
रेती की बनी हुई है तो मैं इससे ही टाइट करता हूँ। रेती की बहुत अच्छी है ये, जल्दी ख़राब नहीं होगी। सबसे पहले हमने ये टूटी जिधर लगती है इस साइड से हमने इनको हाथ से टाइट करते जाना है। जितनी भी स्पोक्स है पहले हमने इनको हाथ से टाइट करना है। दोस्तों यहाँ से आपने वीडियो मिस नहीं करनी, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इसमें मैं आपको जंप के बारे में भी बताने लगा हूँ कि जंप किस तरह निकालते हैं और व्हील को सीधा किस तरह करते हैं, इसका वाल किस तरह निकालते हैं, जो लेफ़्ट राइट व्हील होता है वो किस तरह सीधा करते हैं, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊँ। दोस्तों हाथ की मदद से हमने व्हील की जितनी भी स्पोक्स है वो टाइट कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर जंप देखें, यानी कि ये इस तरीके से तो नहीं कर रहा है, यानी कभी ऊपर उठ रहा है कभी नीचे उठ रहा है, इस तरह का मसला तो नहीं कर रहा है, ये हम सबसे पहले देखेंगे। तो इसमें मसला तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें दोस्तों, अगर यहाँ से ये इस तरफ आ रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ जिधर से उठ रहा है, यहाँ से आपने चार स्पोक टाइट करनी है जिधर से ये ऊपर की तरफ उठ रहा है, ठीक है। और जिधर से ये, यानी कि ये यहाँ से इस तरफ मेरी तरफ है ज़्यादा है, लेकिन जब दूसरी साइड यहाँ पे आती है यहाँ से ये अंदर की तरफ चला जाता है, एक साइड से बाहर की तरफ है एक साइड से अंदर की तरफ है। तो जिधर से बाहर की तरफ है वहाँ से आपने चार स्पोक्स को टाइट करना है और दूसरी साइड से आपने लूज़ करना है, जिधर से अंदर को है उधर से आपने लूज़ करना है और जिधर से बाहर की तरफ है वहाँ से आपने टाइट करनी है चार स्पोक्स। यानी कि यहाँ से ये बाहर की तरफ है, ये मैं चार टाइट करूँगा और यहाँ से ये अंदर की तरफ है, ये मैं चार लूज़ करूँगा। तो इस तरीके से आपने इसका जंप निकालना है, जहाँ से भी ये मसला करे, यानी यहाँ से कर रहा है तो उस साइड से आपने लूज़ करनी है, यहाँ से टाइट करनी है, कहीं से भी ये मसला कर रहा है तो आपने इस तरीके से ही इसका काम करना है। तो अभी हम इसकी स्पोक्स को टाइट करते हैं, इसको आपने दो दो चूड़ियाँ टाइट करते जाना है सारी स्पोक्स को चाबी से। पहले हाथ से हमने टाइट की है जितनी हो सकती है। तो दोस्तों व्हील को तो मैंने सीधा कर लिया है, इसकी स्पोक्स को भी हमने टाइट कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने व्हील किस तरह सीधा करना है, ठीक है। जंप का तो मैंने आपको बता दिया है, और व्हील को सीधा करने के लिए सबसे पहले आपने इसकी स्पोक्स जो है वो जितनी भी है टाइट करनी, पहले एक चूड़ी टाइट करनी है, फिर दो दो तीन तीन चूड़ियाँ टाइट करके इसको जितना टाइट हो सके वो टाइट कर लेनी। यानी कि अब यहाँ से मैं ज़्यादा टाइट करूँगा तो ये स्पोक जो है वो टूट सकती है, ठीक है। तो इतना आपने इसको टाइट कर लेना है। अब इसको सीधा किस तरह करना है, व्हील यानी कि लेफ़्ट राइट हो रहा है तो आपने इसको दरमियान में किस तरह लाना है, एक सीधा ये चले जिस तरह ये चल रहा है अभी। तो उसके लिए दोस्तों अब आपका अगर लेफ़्ट की साइड पे जा रहा है तो राइट साइड के आपने दो स्पोक्स जो है वो टाइट करनी है। अगर राइट साइड पर हो रहा है तो फिर लेफ़्ट साइड की आपने दो स्पोक्स जो है वो टाइट करनी है। तो इस तरह आपने इसका रिम जो है वो सीधा कर लेना है सारे। अगर यहाँ से ये लेफ़्ट जा रहा है तो राइट की दो टाइट करनी है, अगर यहाँ से ये राइट जा रहा है तो लेफ़्ट की दो टाइट करनी है, दो स्पोक्स टाइट करनी है। तो इस तरीके से आपने मुकम्मल व्हील को इस तरीके सीधा कर लेना है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सीधा हो चुका है, और ये चाबी का भी मैंने आपको बता दिया कि ये चाबी कहाँ से मिलेगी और कैसे बनवानी है। तो अब हम जो है इसको बाहर निकालते हैं, ये बिल्कुल सीधा हो चुका है दोस्तों। अगर आप इसकी प्राइस पूछें तो ये अभी आपको जो है 2000 रुपए का मिल जाएगा, ठीक है। 2000 रुपए का ये इसको व्हील सीधा करने के लिए अड्डा बोलते हैं हमारे इलाके में, तो आपके इलाके में शायद कोई और चीज़ बोलते हो। तो हम इसको व्हील सीधा करने के लिए अड्डा बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसको साइड पे करते हैं अभी।
तो दोस्तों हमारा व्हील जो है वो बिल्कुल सीधा हो चुका है और एक्सल है ये हम निकाल देते हैं। तो दोस्तों व्हील को सीधा करने के लिए ये फीता आपने डालना है, ये इसका फीता है। फीते को आपने यहाँ से ये टूटी वाली जगह पे जो इसका टोक लगा होता है ये आपने इस तरीके से इसके ऊपर चढ़ाना है। इसको चढ़ाने के बाद इसका ये सीधा इस साइड से डालना है और ये व्हील जो है इसके ऊपर आपने ये टायर जो है इस तरीके से चढ़ा देना है। टायर चढ़ाने के बाद दोस्तों इस साइड से इसको ऑयल कर देना। ऑयल जो है दोस्तों मैंने कर दिया है, तो अभी इसके इसकी ट्यूब डालेंगे। दोस्तों ये इसकी ट्यूब है, ये हम अभी इसमें फिट करेंगे। तो हम इसमें सिंगल गैस रखेंगे क्योंकि पहले रिम ख़राब था तो इसलिए गैस जो है वो रखा हुआ था। अब हम इसमें सिंगल गैस जो है वो करेंगे। सबसे पहले हमने ये टूटी वाली जगह पे गैस रखना है इस तरीके से। गैस रख के दोस्तों अभी हमने ये ट्यूब जो है इस तरीके से लीवर डालना है। लीवर डाल के यहाँ से टूटी को बाहर निकालना है। टूटी को बाहर निकालने के बाद दोस्तों अब हम इसको फिट कर देंगे ट्यूब को। इसका ये जो गैस वाली ट्यूब है इसको ऊपर चढ़ा के इस तरीके से टायर के अंदर फिट कर रहे हैं। अभी दोस्तों हमने इसको जो है फिट करना, तो फिट करने से पहले हम इसमें ऑयल लगाएंगे। तो इस तरीके से आपने ऑयल जो है वो लगा लेना है और जो रिम के ऊपर ऑयल है इसको आपने कपड़े से साफ कर देना है। अभी हम इसको फिट करेंगे। दोस्तों सिर्फ इसको ऑयल लगाने का मकसद ये है कि ये जो टायर है ये बिल्कुल अपनी जगह पे सही फिट हो जाए, क्योंकि अगर आप ऑयल नहीं लगाओगे तो टायर जो है एक जगह से फूल जाएगा कहीं से ऐसा होगा। तो इसको ऑयल लगाएंगे, एक तो इसके अंदर जो टायर के अंदर तार होती है वो जो है नरम हो जाएगी, वो अपनी जगह पर सही तरीके से फिट होगी। और दूसरा ये है कि आपका टायर जो है वो कहीं से ऊपर नीचे नहीं होगा और व्हील जो है बबलिंग भी नहीं करेगा। वाल्व दोस्तों मैंने टाइट कर दिया, अभी हम इसमें एयर भरेंगे। एयर आपने इसमें 50 पाउंड भरनी है, ठीक है। अगर आपका टायर कमज़ोर है तो आप 45 पाउंड भरें, अगर आपका टायर सही है तो 50 पाउंड वाह भरें, इससे ज़्यादा वाह ना भरें। ज़्यादा वाह भरने से भी आपका टायर जो है वो कमज़ोर हो जाता है। दोस्तों अभी हम इसमें वाह भरेंगे। दोस्तों इसके अंदर मैंने हवा भर दिया और यहाँ से आप देखें ये बिल्कुल एक जैसा टायर जो है बाहर निकला हुआ है, ठीक है। ये नहीं है कि ये कहीं से ज़्यादा निकला हुआ है कहीं से कम निकला हुआ है, तो इसीलिए मैंने ऑयल इसको लगाया है। तो ये तो हमारा फिट हो चुका है, अभी हम इसको टायर को व्हील को फिट करते हैं। तो दोस्तों अब हम व्हील को बाइक में फिट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी ये चार ड्रम रबटें होती है ये लगाएँगे, तो इनको इस तरीके से लगाना है। एक साइड से ये बड़ी होती है एक साइड से छोटी, तो छोटी साइड जो है आपने नीचे रखनी है इस तरीके से। ये अगर ख़त्म हो गई हो तो इनको चेंज कर देना चाहिए वरना आपकी हाथ भी टूट सकती है।
इसके बाद दोस्तों ये इसकी ब्रेक शू प्लेट है, ब्रेक शू प्लेट हम यहाँ पे इसकी फिट कर देते हैं। फिट करने के बाद अभी हम दोस्तों ये फिट करने के बाद अभी हम व्हील को इसके अंदर इस तरीके से डालते हैं। ये डालने के बाद दोस्तों ये इसकी एक गोट है, गोट को हम यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे रखने के बाद हम इसका एक्सल डालते हैं, तो एक्सल को आपने कपड़े से साफ कर लेना है। इसके ऊपर ग्रीस लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। ये एक्सल जो है मैंने डाल दिया है दोस्तों। एक्सल को अभी हम थोड़ा सा फिट कर दिए दोस्तों। एक्सल फिट करने के बाद आपने व्हील को घुमाना है। व्हील को घुमाने के बाद व्हील अगर बिल्कुल आपका फ्री घूम रहा है तो आप आगे आप इसको टाइट कर। तो दोस्तों ये फिट हो चुका है। अभी हम इसका नीचे जो ब्रेक पट्टी होती है इसका ये 12 नंबर का नट टाइट करेंगे। ये 12 नंबर की चाबी के साथ हम इसको टाइट कर देते हैं दोस्तों। ए टू जेड मुकम्मल कंप्लीट इसकी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, तो आपका हक बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक करें। उसके बाद दोस्तों ये ब्रेक पट्टी का तो हर किसी को पता होगा कि इसका 14 नंबर का नट होता है, उधर 12 नंबर का भी होता है, 14 नंबर का भी होता है जो ब्रेक पट्टी होती है, ठीक है। तो जो ब्रेक राड होता है इसका 14 नंबर का ही हमेशा लगता है। इसको आपने हाथ से टाइट कर देना है, ये बहुत ही आसान काम है। आप तो दोस्तों ये टाइट करने के बाद ब्रेक को आपने मुकम्मल एडजस्टमेंट के साथ यहाँ से आपने इसको ब्रेक को मुकम्मल एडजस्टमेंट कर लेना है। जितना आप टाइट रखना चाहे टाइट कर सकते हैं, जितना लूज़ करना चाहे लूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम दूसरी साइड पे ये एक्सल का बोल्ट यहाँ पे टाइट करते हैं 17 नंबर की चाबी के साथ। दोस्तों ये 17 नंबर की चाबी है या स्पेनर चाबी, इसे हम इसका आगे टाइट करते हैं। तो दोस्तों 17 नंबर की चाबी के साथ, स्पैनर चाबी के साथ हमने ये नट जो है इसका टाइट कर लिया और व्हील जो है बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया है। इस तरीके से आप अपने 70 बाइक का या 125 बाइक का व्हील जो है स्पोक रिम और हब फिट कर सकते हैं। तो सीधा करने का तरीका बताया, इसके अंदर मुकम्मल आपको इन्फॉर्मेशन दी है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।